बहुत पहले की बात है, कहीं दूर हालत का गरीब पर दिल का अमीर एक लड़का था, नाम अलादीन। वो अपनी माँ के साथ रहता था और पैसे कमाने के लिए मुश्किल से मुश्किल काम करता था ताकि उनका घर चल सके। एक दिन बाजार में बेचने के लिए केले लाने के लिए वो एक दूर जगह जा रहा था। अचानक उसे एक आदमी मिला जिसकी घनी दाढ़ी थी और कद ऊंचा था। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे पिता के बचपन का दोस्त हूँ, क्या तुम्हें ये सोने का सिक्का चाहिए? सोने का? इतना तो मैं जिंदगी में केले बीज बीज कर भी नहीं कमा पाऊंगा। उस आदमी ने अलादीन को वहीं एक पत्थर के नीचे एक गड्ढा दिखाया और उसे वहां जाने को कहा। अलादीन को ये काम बड़ा आसान लगा। दोनों ने साथ मिलके उस पत्थर को हटाया और वहां निकले एक गुफा। अपने छोटे कद काठी को लेके अलादीन उसके अंदर चला गया और वहां सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे जाता गया। बिल्कुल नीचे पहुंचा तो देखा कि वो गुफा में रोशनी एक पुराने से चिराग से आ रही है। वो चौंक गया जब उसने देखा वहां रखे हुए खजाने में हीरे, मोती, सोना, क्या क्या नहीं था वहां। ये सब देख ही रहा था कि अलादीन को ऊपर से एक आवाज आई जिसने उसे डरा दिया। लड़के, तुम्हें एक चिराग मिला होगा, उसे बुझाकर मेरे पास ले आओ, जल्दी। अलादीन को अजीब सा लगा कि इतने धन दौलत को छोड़ के उस आदमी को चाहिए था सिर्फ वो पुराना चिराग। ऐसा कोई क्यों करेगा? अब अलादीन को डर लगने लगा था। अलादीन चिराग लेके सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा, पर इतने में वो आदमी चिल्लाने लगा, दो मुझे वो चिराग, जल्दी से। अलादीन को उसका मामला समझ में नहीं आ रहा था। पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अगर तूने मुझे ये चिराग नहीं दिया तो मैं तुझे इसी गुफा में बंद कर दूंगा। अब अलादीन को समझ में आ गया कि उसके इरादे नेक नहीं है। नहीं, पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो। बेवकूफ, अब तुम्हारी खैर नहीं। अरे बंद मत करो मुझे। उस आदमी ने पत्थर से गुफा को बंद तो कर दिया, पर उसकी अंगूठी नीचे ही गिर गई और पहुंची अलादीन के पास। उसने उसे उठाया और उंगली में डाल लिया। डालते ही गुफा के अंदर बादल सा बन गया और उससे निकला एक बड़ा सा जीव। डर के मारे अलादीन फुस सो गया। जो चाहे वो मांग लो, लेकिन याद रहे सिर्फ तीन चीजें मांग सकते हो, सिर्फ तीन। मुझे घर जाना है। पलक झपकते अलादीन अपने घर पहुंच गया। अलादीन को देख उसकी माँ चिल्ला पड़ी। अलादीन ने माँ को सारी कहानी बताई, वो आदमी, वो गुफा, वो खजाना और ये चिराग। अलादीन उस चिराग से धूल झाड़ ही रहा था कि उसमें से धुआं निकला और पूरे कमरे में छा गया और उसमें से निकला जिनी। वाह जी वाह, आहा, सैकड़ों सालों से इस चिराग में बंद था मैं, तुमने मुझे निकाल लिया। क्या मांगना है हुजूर, मांगिए। ये अब क्या नई मुसीबत है? यही सोच के अलादीन और उसकी माँ देखते रहे। जिनी फिर बोला, बोलिए हुजूर, क्या फरमाइश है? ठीक है, हमारे लिए जबरदस्त खाना लाओ। अचानक एक खाने की टेबल आ गई और फिर उसमें शानदार भोजन, पीने के लिए शरबत और पेस्ट्रीज और एक फूलदान भी।
उस दिन से अलादीन और उसकी माँ जो भी चाहते जिनी लाके देता। वो खुशी से और शौक से रहने लगे। एक दिन वो बाजार गया तो उसे दिखी एक पालकी। पता लगा कि उसमें थी बादशाह की बेटी प्रिंसेस जैस्मीन। अलादीन ने उनका चेहरा देखा और उसे प्यार हो गया। उसने माँ को जैस्मीन के बारे में बताया। माँ ने जिनी से एक बक्सा भर के सोना लिया और बादशाह को देने राजमहल गई। वहां के सिपाहियों ने वो बक्सा बादशाह तक पहुंचाया और बादशाह ने खुश होके माँ से मिलना चाहा। माँ ने उन्हें अपने बेटे के प्यार के बारे में बताया तो बादशाह ने चाहा कि अलादीन अपनी अमीरी और ताकत को साबित करे। अगर आपका बेटा मेरा दामाद बनना चाहता है तो उसे कहो कि 40 नौकरों के हाथों 40 बक्से भेजे जो हीरे मोती सोने चांदी से भरे हो और उनके पीछे 40 सिपाही हो उनकी रक्षा के लिए। ये सुनके अलादीन की माँ उदास होके वापस घर पहुंची। उन्हें यकीन था कि जिनी ये सब तो नहीं कर पाएगा। अलादीन ने फिर से चिराग से जिनी को बुलाया। बोलिए हुजूर, क्या फरमाइश है? अलादीन ने उसे बादशाह की मांग बताई। ये सुनके जिनी ने ताली मारी और वहीं के वहीं खजाना लिए 40 नौकर और 40 सिपाही प्रकट हो गए। बादशाह ने देखा कि जो भी मांगा था उन्होंने अलादीन ने पूरा किया और वो खुश हो गए। उन्होंने सोचा, कितना पैसा है इस लड़के के पास। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी एक महल जैसे घर में रहे। अगर उसे ऐसा घर दे सकते हो तभी शादी की बात सोचो। अलादीन ने बादशाह की इच्छा जिनी को बताई। जिनी ने फिर से ताली मारी और तभी एक बड़ा शानदार महल उसके सामने बन गया। अलादीन को भरोसा नहीं हो रहा था। बादशाह को लगा कि अलादीन से अमीर लड़का नहीं मिलेगा कभी। उनकी शादी धूमधाम से हुई और 3 दिन तक जश्न चलता रहा। सबको अलादीन की किस्मत और अमीरी का मालूम था, पर अलादीन और उसकी माँ ने जैस्मीन को जिनी के बारे में नहीं बताया था। एक दिन अलादीन के महल के पास एक आदमी आया। पुराने चिराग दे दो और बदले में नए चिराग ले लो। जैस्मीन ने ये आवाज सुनी। उसने सोचा कि पुराने चिराग के बदले नया चिराग मिल जाएगा तो अलादीन बहुत खुश होगा। उसने खुशी से एक नया चिराग ले लिया। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही पहले जिसने अलादीन को गुफा में बंद किया था। उसे चिराग मिलते ही उसने जिनी को कहा कि महल को जैस्मीन के साथ वहां से हटा दिया जाए। अलादीन जब उस शाम लौटा उसे अपना महल कहीं नहीं दिखा। वो समझ गया कि कुछ गड़बड़ हुआ है। वो अपने पुराने घर में गया और गुफा में मिली हुई अंगूठी ढूंढी। उसे उंगली में पहनते ही वो बड़ा सा जीव फिर से हाजिर हुआ। जो भी चाहे मांग लो, पर ध्यान रहे सिर्फ 2 चीजें। मुझे जैस्मीन के पास ले चलो। हाथों हाथ वो महल में पहुंच गया।
कोई उसे देख ना ले, इसलिए वो छुप गया। जैस्मीन उसी आदमी की सेवा कर रही थी और वो चिराग भी उसी के पास था। छुपते छुपाते अलादीन ने वो अंगूठी फिर से पहन ली और वो बड़ा सजीव फिर से आ गया। जो भी चाहे मांग लो, पर ध्यान रहे सिर्फ एक चीज। उस बदमाश को हमेशा के लिए गहरी नींद में सुला दो। हाथों हाथ वो दौड़ के जैस्मीन के पास गया, जो उस आदमी से डरी हुई थी। अलादीन को देखकर वो बेहद खुश हुई। अब अलादीन ने जैस्मीन को पूरी कहानी शुरुआत से बताई और जैस्मीन सुन सुन के चौंकती रह गई। अलादीन ने फिर से चिराग को घिसा और बाहर आया वो जिनी। बोलिए हुजूर, क्या फरमाइश है? इस बदमाश को इतनी दूर पहुंचा दो कि ये कभी हमें ढूंढ ना सके। और वो आदमी अचानक से गायब हो गया। अलादीन ने जिनी को उस महल को अपनी जगह पहुंचाने को कहा। महल आसमान में उड़ता हुआ अपनी पुरानी जगह पहुंचा और वहां पहुंच के अलादीन अपनी माँ के पास था एक बार फिर। अलादीन, उसकी माँ और जैस्मीन एक साथ रहे हमेशा खुशी से। बहुत पहले की बात है, अली बाबा नाम का एक कारपेंटर हुआ करता था। वो अपनी पत्नी के साथ गरीबी में जिंदगी गुजार रहा था। अली बाबा अपने गधे को लेकर जंगल में लकड़ियां काटने जाया करता था और उन्हीं लकड़ियों को बेच के घर चलाता था। एक दिन वो लकड़ियां काटने जंगल गया, तभी उसे आवाज सुनाई दी घोड़ों के एक टोली की और उसे घबराहट होने लगी। शायद ये चोर है, मैं छुप जाता हूं। गधे को झाड़ियों के पीछे छुपा के अली बाबा पेड़ पर चढ़ गया। वो टोली सीधे उस पेड़ के नीचे ही आके रुकी। अली बाबा ने गिनती की, वो 40 थे। उन लोगों ने कुछ भारी सामान अपने घोड़ों से उतारा। अली बाबा को समझ में आ गया कि वो चोर हैं। उनका सरदार एक बड़े चट्टान की तरफ गया और चिल्लाया, खुल जा सिम सिम। तभी कुछ अजीब सा हुआ। वो बड़ा चट्टान हट गया एक गेट की तरफ और सामने थी एक गुफा। सभी चोर एक एक करके अंदर गए अपने भारी सामान के साथ। आखिरी चोर के जाते ही वो चट्टान फिर से अपनी जगह आ गया। अली बाबा को भरोसा नहीं हुआ, पर थोड़ी देर में वो चट्टान फिर हिला और चोर बाहर आए। सरदार बाहर आया और फिर से चिल्लाया, बंद हो जा सिम सिम। उस चट्टान ने फिर से रास्ता बंद कर दिया और वो थोड़ी ही देर में घोड़े पे सवार होके चले गए। अली बाबा पेड़ से नीचे उतरा और सीधे चट्टान की तरफ गया। उसने वही शब्द कहे, खुल जा सिम सिम। वो चट्टान गड़गड़ाहट की आवाज के साथ फिर से हटा। अली बाबा अंदर गया। अंदर जो था
वो देख के उसका सिर फिर गया। सोने के सिक्के, हीरे, खजाने यूं ही बिखरे हुए थे। उसने चौंक के तीन झोले भर के सामान लिया और निकल गया। बाहर उसने फिर से वही शब्द बोले जो सरदार ने बोले थे, बंद हो जा सिमसिम। उसने सारा सामान अपने गधे पर रखा और घर चला। घर पहुंच के उसने अपनी पत्नी को वो सामान दिखाया। उसे भी समझ नहीं आया कि अली बाबा सब लाया कहां से, इतना सोना कहां से मिला। अली बाबा ने उसे सारी कहानी बताई। वो सुन के बड़ी खुश हुई और सामान निकालने लगी। चलो गिनते हैं हमारे पास कितने सिक्के हैं। नहीं, एक गड्ढा खोदकर उसमें छुपा देते हैं। तो तुम दफनाने के लिए जगह बनाओ, मैं तुम्हारे भाई कासिम से नापने के लिए बर्तन लेके आती हूँ। अली बाबा का भाई कासिम बहुत अमीर था, पर लालची भी। वो कभी अली बाबा की मदद नहीं करता, इसलिए अली बाबा ने बोला, सिक्कों के बारे में किसी से कुछ मत कहना, किसी से भी नहीं। उसकी पत्नी कासिम से नापने का बर्तन मांगने पहुंची। कासिम को दाल में कुछ काला लगा तो उसने पूछा, तुम्हें क्यों चाहिए, क्या नापोगी उसमें। अली बाबा की पत्नी ने कुछ झूठ मूठ का बोल दिया। कासिम को उस पे भरोसा नहीं हुआ। उसने चुपके से बर्तन के नीचे शहद लगा के दे दिया। उसी बर्तन में सोने के सिक्के नापने लगे दोनों, और फिर सारे सिक्के दफना दिए। उसके बाद अली बाबा की पत्नी कासिम को बर्तन लौटाने गई, पर उसने देखा ही नहीं कि बर्तन के नीचे सोने के सिक्के चिपक गए हैं। ये बहुत बड़ी गलती की उसने। कासिम को बर्तन मिलते ही उसने नीचे की तरफ देखा। सोने का सिक्का देख के वो हक्का बक्का रह गया। कहां से मिला होगा अली बाबा को वो सोना। कासिम की नींद उड़ गई। सुबह होते ही वो अली बाबा के घर गया और उसे बर्तन के नीचे लगा हुआ सिक्का दिखाया। अली बाबा, तुम सोना खरीद तो नहीं सकते, कहां से आया ये सोना, बताओ मुझे। अली बाबा ने उसे सारी कहानी बताई ताकि वो किसी और को इसके बारे में ना बताए। अगर तुम मुझे उस जगह नहीं ले चलते तो मैं चोरों को बता दूंगा तुमने क्या किया। पर कासिम। अली बाबा को मालूम था कि कासिम सच में बता देगा, इसलिए उसे उस जगह ले जाना ही पड़ा। वो गुफा इसी चट्टान के पीछे है, अब चलो यहाँ से, कहीं वो चोर फिर ना आ जाए। दोनों वापस घर लौट आए, पर कासिम का ध्यान वही गुफा में था। वो हाथों हाथ दो गधे लेकर गुफा पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने वो शब्द दोहराए जो अली बाबा ने बोले थे, खुल जा सिमसिम। वो चट्टान हट गया और रास्ता खुल गया। कासिम को भरोसा नहीं हुआ। अंदर का नजारा उसे हक्का बक्का कर गया। इतना सोना देख के उसका दिमाग खराब हो गया। जल्दबाजी में उसने सोना भरा अपने झोलों में। जब जगह नहीं बची वो बाहर निकलने लगा, पर वो तो चट्टान से बंद पड़ा था, और उसे खोलने के लिए जो शब्द बोलने थे वो उसे याद नहीं आ रहे थे, तो वो कुछ भी अनशंट बोलने लगा। खुल जा टिम टिम, खुल जा कुम कुम, खुल जा जिम जिम। कितना भी बोला पर वो चट्टान तस से मस नहीं हुआ। घबराया हुआ उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। इतनी देर में चोर गुफा पहुंच गए।
उनको कासिम के गधे देख के शक हुआ और उन्होंने अपनी तलवार निकाली। खुल जा सिमसिम। रास्ता खुलते ही चोरों ने कासिम को पकड़ लिया और उसे सजा दी। तो ये चोर हमसे चोरी कर रहा था। देर रात होने पर कासिम घर नहीं लौटा तो उसकी पत्नी को चिंता हुई। उसने अली बाबा से मदद मांगी। अली बाबा को भी कासिम की चिंता थी। वो गुफा पहुंचा तो उसे कासिम के गधे दिखे। तब उसे समझ आया कि कासिम को चोरों ने मार डाला है। उसने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। उन्होंने फैसला किया कि ये बात किसी को नहीं बताएंगे। कुछ दिनों बाद अली बाबा और उसकी पत्नी कासिम के घर रहने लगे। उन्होंने उसका काम काज संभाला और उसकी तरक्की की। वो अमीर होते गए। उसी समय चोरों के सरदार को समझ आया कि गुफा से सोना दिन पे दिन कम होता जा रहा है, तो उसने एक चोर को ध्यान रखने के लिए कहा, शहर में जाओ और देखो कि क्या कोई ऐसा है जो नया नया अमीर हुआ है और बहुत खर्चा करने लगा है। उस चोर की नजर पड़ी अली बाबा पर, जो सोने के सिक्के लेकर बाजार में घूम रहा था। उसने उसका पीछा किया। अली बाबा के घर में घुसते ही चोर ने दरवाजे पर निशान लगा दिया। शाम को कासिम की पत्नी जब घोड़ों को पानी देने गई, उसने वो निशान देखा। उसे समझ में आ गया कि कोई मुसीबत आने वाली है, तो उसने रंग लेके आसपास के सारे दरवाजों पर वैसा निशान बना दिया। सुबह होते ही 40 चोरों की टोली अली बाबा का घर ढूंढने आई। तब उन्हें सारे दरवाजों पर वो निशान दिखा। हार के वो लौट गए, पर उनका सरदार जिद्दी था। उसने भेस बदल के उसे ढूंढना शुरू किया और चुपचाप वो पहुंचा अली बाबा के घर। दरवाजा खटखटाया तो अली बाबा ने खोला। मैं बहुत दूर से आया हूं, मैं तेल बेचने निकला था। सुनने में आया है कि आप यहां के सबसे अमीर इंसान हैं। तेल बहुत अच्छा है, खरीदेंगे? अली बाबा ने सरदार को तेल का व्यापारी समझ के रात को खाने पे आने के लिए कहा। तेल की 40 बर्नियां लेके वो अली बाबा के घर पहुंचा। अली बाबा ने उसकी बहुत खातिरदारी की। रात को वहीं रुकने की सलाह देने पर सरदार ने खुशी खुशी हाँ कह दिया। जब वो दोनों खाना खा रहे थे, कासिम की पत्नी तेल की बर्नियां देखने गई। उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी। हम निकले अभी? नहीं नहीं, थोड़ी देर और। तब उन्हें समझ आया कि तेल नहीं, इनमें तो चोर छुपे हैं। और उसे समझ आया कि ये लोग क्यों आए हैं। वो रसोई में गई और काफी तेल गरम किया और हर एक बर्नी में गरम तेल डाला। अंदर बैठे चोरों की हालत खराब हो गई और वो कुछ कर भी ना पाए। देर रात सबके सोने के बाद सरदार उनके पास आया। अब आ जाओ। उसे कोई हरकत नहीं दिखी तो उसने दोबारा बोला, सो गए क्या? उसने फिर बोला, पर कोई जवाब नहीं मिला। तो उसने एक बर्नी खोल के देखा। उसे जो दिखा उससे उसका दिल बैठ गया। कहीं वो भी ना पकड़ा जाए, इस डर से वो भागा और कभी वापस नहीं आया। अगली सुबह
कासिम की पत्नी ने अली बाबा को यह हादसा बताया। अब वो बिना चोरों की चिंता किए पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगे। कई साल पहले कहीं दूर एल्व्स की जमीन पर तीन एल्व्स रहा करते थे। ये एल्व्स अच्छे दिल वाले संत बनने के लिए तैयार थे और अब निकले थे मनुष्यों की दुनिया की यात्रा करने। हमारा कर्तव्य हमारा इंतजार कर रहा है दोस्तों। मैं बहुत ही उत्साहित हूँ, हम भी मनुष्यों की दुनिया देखेंगे। हाँ, मैं चाहती हूँ कि हर एक व्यक्ति बहुत खुश रहे। और एल्व्स ने प्रवेश किया। एक पुराने घर में एक बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी रहा करते थे। बूढ़े आदमी ने अपने घर की कार्यशाला में जूते बनाकर घर चलाया था और कभी कभी उसने पुराने जूतों की मरम्मत भी की। जूते वाला कमाए हुए पैसों से नए जूते बनाने के लिए एक चमड़ा खरीद कर लाता था। एक दिन उसने अपने कमाए हुए पैसों से चमड़े खरीदे और वो घर पहुंचा। उसने जो चमड़ा खरीदा था वो जूते की एक जोड़ी बनाने के लिए पर्याप्त था। उसने टेबल पर चमड़े के टुकड़े को छोड़कर कमरे को बंद कर दिया और अपने शयन कक्ष में चला गया। सुबह जब वो जाग गया, अपने बिस्तर में बैठकर उसने एक जोरदार आलस दिया। उसने जूते के प्रकार के बारे में सोचा जो वो बनाने जा रहा था और हर सुबह की तरह उसने नाश्ता खाया जो पत्नी ने बनाया था। डियर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे अब काम पर चलना चाहिए। आज मैं बहुत ही अच्छे जूते बनाऊंगा। कल रात आपने जूते की एक जोड़ी बनाई, क्या आपके पास एक और जोड़ी बनाने के लिए पर्याप्त चमड़ा है? बूढ़ा आदमी हैरान रह गया क्योंकि वो जानता था कि उसने कल रात सोने से पहले कोई जूता नहीं बनाया। इसलिए बूढ़ा आदमी जल्दी से अपनी कार्यशाला में भाग गया। उसकी पत्नी भी उसके पीछे गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो क्या देखता है, चमड़े का टुकड़ा जो उसने रात को सोने से पहले टेबल पर छोड़ा था वो अब बहुत सुंदर जूते में बदल गया था। जूते वाले की आंखें ये देखकर फटी की फटी रह गई। मैंने ये जूते कब बनाए, मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे लगता है मैं सच में बूढ़ा हो गया हूँ। जूते इतने सुंदर थे कि जूते वाले ने उन्हें तुरंत खिड़की के सामने रखा और ग्राहक का इंतजार करने लगा। कुछ ही समय में एक अमीर दिखने वाले ग्राहक ने खिड़की से जूते को देखा और अंदर आया। सुप्रभात, मैं खिड़की के सामने रखी जूतों की जोड़ी खरीदना चाहता हूँ, उसकी कीमत चाहे कितनी भी हो। मैंने आज तक इतने सुंदर जूते कभी नहीं देखे। बड़ी खुशी से बूढ़े आदमी ने जूते की जोड़ी बेची और उसने उसकी सही कीमत से ज्यादा कुछ नहीं मांगा। इस बार जूते वाला जूते के दो जोड़े के लिए चमड़े लेने बाजार जा रहा था और फिर उसने टेबल पर चमड़े को छोड़ दिया और कमरे में चारों ओर घूम आया, चमड़े के टुकड़े पर एक नजर और डाली और बिस्तर पर चला गया। जैसे ही वो जाग उठा वो सीधे अपने वर्कशॉप में गया। इस बार अद्भुत जूते के दो जोड़े टेबल पर थे। इस बार फिर जूते वाला बहुत खुश था। उसने जूतों को खिड़की के सामने रखा। उसी दिन उसने जूते के दोनों जोड़े बहुत अच्छी कीमत में बेच दिए और वो फिर से और अधिक चमड़े खरीदने के लिए चला गया। मन ही मन वो सोच रहा था कि जूते के ये सुंदर जोड़े कौन बना रहा है। उसने चमड़े को मेज पर रखा और अपने कमरे में गया। सुबह उसके पास मेज पर जूतों का ढेर था। जूते वाले ने उस दिन सारी जोड़ियां बेच दी। बहुत लंबे समय तक बूढ़ा आदमी जूते से बने पैसों से घर चला रहा था। कमाए हुए कुछ पैसों से उसने चमड़ा खरीदना जारी रखा। लेकिन जूते वाला जानने के लिए उत्सुक था कि जूतों के इन जोड़ों को कैसे और कौन बना रहा है।
आखिर एक रात उन्होंने अपनी कार्यशाला की कोठरी में छिपने का फैसला किया और पता लगा ही लिया कि जूते कौन बना रहा है। आज रात मैं जूते बनाने वालों को ढूंढ कर ही रहूंगा। मध्य रात्रि के समय कार्यशाला की खिड़की खोली गई और एल्व्स ने प्रवेश किया। एल्व्स में से एक गलती से फूलदान पर कूद गया। शोर सुनकर बूढ़ा आदमी अपने जगह से बाहर कूद गया। जरा सावधान रहिए, वो जाग जाएंगे। जब बूढ़े आदमी ने दरवाजे को धक्का दिया और चुपके से बाहर आया तो वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। उसने अपनी आंखों को रगड़ा, फिर से देखा और उसने देखा कि मेज पर तीन एल्व्स थे। वे नृत्य और काम एक साथ ही कर रहे थे। उनमें से एक ने चमड़ा काटा, एक सिलाई कर रहा था और दूसरा उन्हें चिपका रहा था। फिर उन्होंने लेस को बांध दिया और जूते को पॉलिश किया। एल्व्स इतनी तेजी से काम कर रहे थे कि पलक झपकते ही टेबल पर जूतों के अनगिनत जोड़ थे। वो सब सुंदर है। चलो किसी के जागने से पहले निकल जाते हैं। जैसे ही वे आए थे वैसे ही एल्व्स चले गए, हंसते खेलते नृत्य करते करते। जूते वाला अपनी छिपी हुई जगह से बाहर आया। वो अपनी पत्नी के पास भागते हुए गया और जो कुछ हुआ उसे बताया। स्वाभाविक है, उसकी पत्नी ने जो सुना उस पर उसे विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब उसने टेबल पर रखे जूतों के अनगिनत जोड़ों को देखा, उसे पता था कि उसका पति एक रात में इतने जूते नहीं बना सकता। एल्व्स ने जो भी किया उसके लिए उन्हें धन्यवाद देने की बात पर दोनों सहमत हुए। अगले दिन पुराने जूते वाले की पत्नी ने दावत तैयार की। मध्य रात्रि में एल्व्स वर्कशॉप में पहुंचे, उन्होंने मेज पर दावत देखी। अरे ये खाना तो देखो, कहीं ये हमारे लिए तो नहीं बनाया गया? बेशक ये हमारे लिए है मूर्ख, अन्यथा भी इस समय क्यों लाएंगे? मुझे लगता है हमारा इस घर का मिशन पूरा हुआ। अब हमें दूसरे घरों में जाना चाहिए जिन्हें हमारी मदद की जरूरत हो। जूते वाला और उसकी पत्नी जाग गई और कार्यशाला में चले गए। उन्होंने जो खाना छोड़ा था उसकी जगह पर उन्होंने चमकदार जूतों का ढेर देखा। उस दिन के बाद एल्व्स कभी वापस नहीं आए। बूढ़े जूते वाले और उनकी पत्नी ने अपने शेष जीवन के लिए पर्याप्त पैसे प्राप्त कर लिए थे। जूते वाले ने सोचा कि इतने सालों की मेहनत के बाद उसे ये अवार्ड मिला है। यही कारण है कि उसने जूते बनाना कभी बंद नहीं किया। और जब उन्होंने छोटे एल्व्स के बारे में सोचा, वो हमेशा उनके लिए कृतज्ञ और आभारी थे। बहुत साल पहले ऊंचाई पर बसे एक शहर में एक हैप्पी प्रिंस की मूर्ति थी। मूर्ति सिर से पैर तक सोने से लदी थी और उसकी तलवार की मुट्ठी पर एक बड़ा सा लाल रंग का रूबी सजाया था। राजकुमार की आंखों के लिए दो चमकदार हरे रंग के पन्ने का इस्तेमाल किया था। हैप्पी प्रिंस की मूर्ति शहर में हर किसी ने देखी थी और ये सभी को आशा और खुशी फैलाने के लिए जाना जाता था। एक रात एक छोटी स्वालो शहर में आई। उसके दोस्त ठंडी से बचने के लिए दुनिया के गर्म इलाके में उड़ गए और वो पीछे रह गई। उसने ये मूर्ति देखी जो एक बड़े स्तंभ पर आराम से खड़ी थी। मुझे यहाँ रात बिताने दो, कल मैं चली जाऊंगी। स्वालो हैप्पी प्रिंस के दोनों पैरों के बीच ही उतरी थी। आज रात मैं सोने के बिस्तर पर सोने वाली हूँ।
जब वो सोने की तैयारी कर रही थी और पंखों के नीचे सिर को छुपाने ही वाली थी कि उसके सिर पर पानी की एक बूंद गिरी। उसने ऊपर देखा पर आसमान तो साफ था और कोई बारिश भी नहीं हो रही थी। उसी समय पानी की एक और बूंद उसकी चोंच पर गिरी और उसके बाद एक और बूंद। ये जानने के लिए कि हो क्या रहा है, स्वॉलो मूर्ति के सिर पर जा बैठी। उसने देखा कि पानी की बूंदें राजकुमार की आंखों से बह रही थी, वो उसके आंसू थे। राजकुमार के आंसू गालों से होकर उसके पैरों में गिर रहे थे और चांद के प्रकाश में उसकी उदास आंखें चमक रही थी। स्वॉलो को उसके लिए बहुत दुख हुआ। हेलो, और तुम कौन हो? मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। फिर तुम रो क्यों रहे हो? जब मैं जिंदा था और मेरा हृदय एक मानवीय हृदय था, मैं कभी रोया नहीं। तब मैं महल में रहता था और हमें उदासी क्या होती है ये पता भी नहीं था। पूरा दिन बगीचे में मेरे दोस्तों के साथ खेलता था और रात को मैं बड़े से बॉल रूम में डांस करता था। बगीचे के चारों ओर एक बड़ी सी दीवार थी, पर उस दीवार के पीछे क्या है इसकी मुझे कभी उत्सुकता नहीं थी। मेरे पास सब कुछ कितना सुंदर था और सब मुझे हैप्पी प्रिंस कहते थे और मैं बहुत खुश था। पर जब मेरा जीवन समाप्त हुआ तब उन्होंने मुझे इस पहाड़ी की चोटी पर लाकर रखा और अब मैं मेरे आसपास सारी कुटिलता और गरीबी देख रहा हूं। हालांकि मेरा दिल लीड से बना है, मैं कुछ नहीं कर सकता सिवाय रोने के। स्वॉलो बहुत दुखी हुई। यहां से थोड़ी दूरी पर गली में एक छोटा सा घर है, एक खिड़की खुली है और मुझे एक महिला सिलाई मशीन पर काम करते दिखती है। उसका चेहरा कमजोर और थका हुआ है। बिस्तर के एक कोने में उसका बीमार बेटा सोया हुआ है। उसे बुखार है पर उसकी मां के पास पैसे नहीं है। प्रिय स्वॉलो, क्या तुम मेरी तलवार से रूबी निकालकर उसे जाकर दे सकती हो? थोड़ा आराम करने के बाद मुझे गर्म इलाके की तरफ उड़ना होगा। कम से कम आज रात यहाँ रुक जाओ, कल तुम चली जाना जहाँ तुम्हें जाना है। स्वॉलो को पहले से ही ठंड लग रही थी और उसे आराम भी नहीं मिला था। वो कुछ नहीं कर पा रही थी सिवाय उदास प्रिंस की मदद के, इसलिए अपनी चोंच के सहारे उसने तलवार की हैंडल से रूबी निकाला और आधी रात को आकाश में शहर की तरफ उड़ने लगी। आखिर वो उस घर में पहुंची और उसने अंदर झांक कर देखा। बच्चा बुखार से जूझ रहा था और माँ सोई हुई थी। वो अंदर गई और उसने रूबी माँ के सामने की टेबल पर रखा। फिर वो बच्चे के ऊपर थोड़ी देर उड़ी, अपने पंख फड़फड़ाकर उसे थोड़ा ठंडा किया। स्वॉलो प्रिंस के पास लौट आई और उसे सब कुछ बताया जो वहां हुआ था। जब वो जाग जाएगी उसे वो बेशकीमती रूबी दिखाई देगा और वो उसे बेच के बच्चे के लिए दवा और खाना ले पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, अब तुम आराम से सो सकती हो प्रिय स्वॉलो। अब सुबह हो गई थी। जब वो उड़ने के लिए तैयार थी, हैप्पी प्रिंस ने स्वॉलो को रोक लिया। हे स्वॉलो, प्रिय स्वॉलो, क्या तुम और एक रात नहीं रुक सकती? मुझे जल्दी से गर्म इलाके में उड़ना चाहिए, मुझे मेरा परिवार और दोस्तों को ढूंढना है। दूर शहर के उस तरफ मुझे एक जवान आदमी दिखाई दे रहा है। वो एक पेपर से भरे टेबल के सामने बैठा है और पेल वॉयलेट के पत्ते हैं गिलास में। ये एक जवान लेखक है और वो उसकी नई किताब पूरी करने की कोशिश कर रहा है, पर उसके पास जलाने के लिए ना कोई लकड़ी है और ना खाने के लिए कोई रोटी का टुकड़ा। तुम उसकी मदद नहीं करना चाहोगे? नरम दिल वाले स्वॉलो ने एक और रात वहां रहना स्वीकार किया सिर्फ उस जवान लेखक की मदद करने के लिए। दुर्भाग्यवश मेरे पास एक और रूबी नहीं है, पर मेरी आंखों में भी कीमती पन्ना है, उसमें से एक ले लो और लेखक को दे दो। ये सुनकर स्वॉलो को बहुत दुख हुआ। पहले वो इस बात से सहमत नहीं थी, पर जब प्रिंस ने जोर दिया तो वो मान गई। उसके पास कोई और उपाय नहीं था, इसलिए उसने अपनी चोंच से पन्ना निकाला और उसने प्रिंस के कहे हुए इलाके की ओर उड़ना शुरू किया।
जब वो उस लेखक के घर पहुंची, वो नौजवान अपनी हाथों में अपना चेहरा छुपाकर उदास होकर टेबल के पास बैठा था। उसने पंछी के पंखों की आवाज भी नहीं सुनी। जब उसने ऊपर देखा, उसने पेल वायोलेट के ऊपर हरा चमकदार पन्ना देखा। उसे लगा कि जिसको उसका लेखन पसंद आया हो, उसी ने वो पन्ना वहां रखा होगा, इसलिए उसने पन्ना उठाया और खुशी से उठ गया। मैं जाने से पहले मिलने आई हूँ। प्रिय स्वालो, क्या तुम सिर्फ एक और रात नहीं रुक सकती? अब ठंड पड़ रही है, कभी भी बर्फ गिरना शुरू हो जाएगा। मुझे सच में जाने दो। मेरे प्यारे प्रिंस, मुझे अब उठना होगा, पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। ठीक है, पर मेरी एक आखिरी इच्छा है, कृपा करके मेरे लिए करो। नीचे उतरकर चौराहे पर एक छोटी लड़की माचिस बेच रही है, उसने उन्हें पानी में गिरा दिया और सारी भीग गई। अब अगर वो बिना पैसों के घर गई तो उसके पिता बहुत नाराज हो जाएंगे और वो आज रात भूखे रह जाएंगे। वो वहाँ रो रही है, उसके पास ना शूज है, ना सॉक्स है और ना सर ढकने के लिए हैट है। मेरी दूसरी आंख निकालो और उसे दे दो ताकि वो खा पी सकेंगे। ये कहानी सुनकर स्वालो ने एक और रात रहना स्वीकार किया। ठीक है, पर आखिरी बार, पर मैं तुम्हारी आंख नहीं निकाल सकती, फिर तुम देख नहीं पाओगे। मेरे आसपास ऐसे भूखे और लाचार लोग देखकर मुझे ज्यादा दुख होता है, इसलिए जो मैं कहता हूँ वो करो। उसकी आंख निकाल कर वो नीचे की तरफ उड़ गई। वो धीरे से बच्ची के पास गई और पन्ना उसके हाथों में गिरा दिया। बच्ची चिल्लाई, ओह कितना सुंदर कांच का टुकड़ा है, और खुशी से घर की तरफ भागी। फिर स्वालो प्रिंस के पास लौट कर आई। मैंने यहाँ तुम्हारे पास रहकर तुम्हारी आंखें बनने का फैसला किया है। प्रिंस ने उसे शहर भर उड़कर उसे शहर में क्या क्या हो रहा है ये जानकारी देने को कहा। स्वालो शहर की तरफ उड़ी और उसने देखा कि अमीर लोग उनके गर्म घरों में आराम से बैठे हैं और गरीब ठंड से बचने के लिए आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो अंधेरी गली में गई, उसने भूखे बच्चों के कमजोर चेहरे देखे। पूल के नीचे उसने देखा दो बच्चे एक दूसरे की टांगों पर सो रहे, एक दूसरे को गर्मी देने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वो वापस लौटी और प्रिंस को सारी बातें बताई। मैं असली सोने से ढका हुआ हूँ, पूरा सोना छिलकर निकालो और गरीबों में बांटो। उन्हें लगता है कि सोना उन्हें खुशी देता है, पर वास्तव में स्वास्थ्य और सामग्री आपको खुश रखती है। स्वालो ने प्रिंस की मूर्ति से सारा सोना निकालना शुरू किया, जब तक कि प्रिंस कमजोर और दुखी ना दिखने लगा। और उसने सारा सोना रास्तों पर जो गरीब थे उन्हें दे दिया। तब तक बर्फ गिरने लगी, रास्ते बर्फ से भर गए। स्वालो रोज प्रिंस के शरीर से सोना निकालती और गरीबों की मदद करती, जब तक कि उस पर सोना था। छोटी स्वालो ठंड से ठिठुरने लगी, पर वो प्रिंस को अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। वो उसे बहुत प्यार करती थी, पर अंत में उसे पता था कि वो मरने वाली है। आखिरी सांस के सहारे वो उड़कर प्रिंस के कंधे पर जा बैठी। गुड बाय मेरे प्यारे प्रिंस। तो आखिर तुमने गर्म इलाके की तरफ उड़ने का फैसला कर ही लिया मेरे दोस्त। स्वालो प्रिंस को बता नहीं पाई कि वो कहाँ जा रही है, इसलिए उसने धीरे से उसके गालों को चूम लिया और उसके पैरों के पास जमीन पर गिर पड़ी। उसी समय हैप्पी प्रिंस मूर्ति के अंदर से टूटने की आवाज आई। ये उसका लीड का दिल था जिसके टुकड़े हो रहे थे। जब सुबह हुई, सारे लोग मूर्ति के आसपास जमा हुए और वो उसकी तरफ आश्चर्य से देख रहे थे। फिर सबने स्वालो के निर्जीव शरीर को देखा जो प्रिंस के पैरों के पास पड़ा था। सब बहुत दुखी हो गए। फिर उन्होंने भीड़ के बीच एक आवाज सुनी। वो नौजवान लेखक था। अब मुझे पता चला कि हैप्पी प्रिंस इस स्थिति में क्यों हैं।
उसने और इस छोटी सी स्वालो ने खुद को हमारी खुशी के लिए कुर्बान कर दिया। इसलिए खुश रहो, उदास मत होना। इस शहर में दो सबसे खूबसूरत दिल उन्हीं के थे और हमेशा वैसे ही रहेंगे।